आज हम सड़क पे, हमारे बच्चे मर रहे हैं, कोई है जो हमें देख रहा है? कोई नहीं है। मार्च का महीना, मेरा नहीं, सबके बच्चे स्कूल जाते, सबने फीस देनी है। आज हमारे बच्चों को स्कूल से निकालने का नोटिस कभी भी आ सकता है। Whom do we make responsible for the job losses? Naresh Goyal or State Bank of India? If State Bank of India had already made up their mind that they are not going to help Jadhavis, then why did they let Mr. Naresh Goyal go off? 17th of April 2019, well, एक ऐसा डेट है जो कि शायद Jadhavis के employees अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे, बिकॉज इसी दिन जेट एयरवेज ने अपने 22,000 एम्प्लॉयज को जॉबलेस छोड़ा था एंड जेट एयरवेज ने लास्ट टाइम ऑपरेट किया था। सिंस देन जेट एयरवेज इज ग्राउंडेड। हे गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ बहुत ही कमाल की एक पॉजिटिव न्यूज लेके, सो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को उन जेट एयरवेज के 22,000 एम्प्लॉयज तक जरूर से शेयर करो जिनकी जॉब चली गई बिकॉज जेट एयरवेज इंसॉल्वेंट हो गई। अब देखो, जेट एयरवेज जो है ना, ये सिर्फ एक एयरलाइंस नहीं थी, जेट एयरवेज एक इमोशन था, एक परिवार का हिस्सा बन चुका था उनके एम्प्लॉयज के लिए। इसीलिए एम्प्लॉयज ने लगभग 3-4 महीने भी बिना सैलरी के काम किया था। सो जस्ट मेक श्योर गाइस कि आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कहीं भी शेयर करें तो प्लीज मेरे को टैग करना ना भूलें। मैं उड़ रहा हूँ अब आसमान से मैं जुड़ रहा हूँ। मैं उड़ रहा हूँ अब आसमान से मैं जुड़ रहा हूँ। तेरा किया था इंतजार हर दिन, तू भी तोड़ रहा था दूर मेरे बिन। जेट एयरवेज वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एयरलाइंस ऑफ इंडिया एंड एक टाइम था जब जेट एयरवेज बहुत ज्यादा बूस्ट पे था, जेट एयरवेज एकदम महाराजा था एविएशन इंडस्ट्री का। बट देन स्लोली एंड स्टेडली ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम मिसमैनेजमेंट, जेट एयरवेज जो है वो डाउनफॉल उनका स्टार्ट हो गया। इफ़ वी गो बैक टू मार्च 2018, तो वहाँ पे जेट एयरवेज ने एक स्टेटमेंट निकाला था जिसमें फर्स्ट क्वार्टर जो था जनवरी फेब मार्च का, वहाँ पे दे रिपोर्टेड अ ह्यूज लॉस। उसके बाद रेगुलर ऑडिट्स वगैरह हुए, फाइनेंशियल ऑडिट्स वगैरह हुए एंड विद इन अ ईयर जेट एयरवेज कोलैप्स्ड कम्प्लीटली। उसके पास पैसे नहीं थे अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए। अभी जो जेट एयरवेज के डाउनफॉल का एक प्रोबेबल रीजन माना जाता है, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स मिसमैनेजमेंट एंड सेकेंड थिंग इज एब्जॉर्बिंग ऑफ सहारा एयरलाइंस। सी, जेट एयरवेज वॉज अ फुल फ्लेज्ड एयरलाइंस एंड सहारा वॉज अ लो कॉस्ट कैरियर। दोनों का शायद से मर्जिंग प्रॉपरली हो नहीं पाया, दैट वॉज अ प्रोबेबल रीजन। सी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो मेरे को नहीं पता, जितना मैंने सुना था मैंने उतना ही बताया। वेल, जेट एयरवेज के बारे में मैं जो इतना बता रहा हूँ, देयर इज अ रीजन, बिकॉज मैंने अपने लाइफ का जो सबसे पहला इंटरव्यू दिया था दैट वॉज फॉर जेट एयरवेज एंड कमाल की बात ये थी कि मैं रिजेक्ट भी हो गया था, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट येस, जेट एयरवेज का एक अलग बात था, मतलब अपने चाइल्डहुड से ही जेट एयरवेज और एयर इंडिया ये तो ऐसी कंपनीज थे जिनके बारे में काफ़ी सुन रखा था। तो एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके बारे में अपने बचपन से सुन रखा है, उसका ऐसा इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो जाए तो थोड़ा तो खराब लगता है। बट येस, अभी जो ये खबर आ रही है दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग। वेल, मैं ज़्यादा अभी इस वीडियो को एक्सटेंड नहीं करता हूँ और बताता हूँ कि एक्चुअली में मैटर क्या है। तो जेट एयरवेज को बंद हुए हो गए ऑलमोस्ट 15 मंथ्स एंड 15 महीनों में जेट एयरवेज की 4 बिडिंग हुई, जिसमें जो 3 बिडिंग थी स्टार्टिंग के 3 उसमें कोई भी बिडर नहीं था। बट फॉर द 4th जो कि अभी रिसेंटली हुई, उसमें जेट एयरवेज को 2 बिडर्स मिल गए हैं जिन्होंने एयरलाइंस के लिए बिड किया है। एंड ये बिडर्स हैं, फर्स्ट इज योर फ्लाइट स्टिम्युलेटर टेक्निक सेंटर और बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड एंड इसी के साथ साथ और एक कंपनी है, वो है इंपीरियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो सबसे पहली कंपनी है फ्लाइट स्टिम्युलेटर टेक्निक सेंटर और बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है जेट एयरवेज के ऑपरेशंस को स्टार्ट करने में मदद करने वाली है इन द एविएशन फील्ड, बिकॉज ये एक इंडियन एविएशन कंपनी है एंड इंडियन एविएशन को काफ़ी क्लोजली इन्होंने स्टडी करके रखा है। तो जो ऑपरेशंस वाइज हेल्प होगा वो ये कंपनी करने वाली है। एंड जो दूसरी कंपनी है इंपीरियल कैपिटल मैनेजमेंट, इट्स अ दुबई बेस्ड बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। सो ये क्या है, जो जेट एयरवेज के जितने भी वेल्थ एंड मैनेजमेंट जो भी कुछ होगा, मतलब फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, उस चीज़ को ये हैंडल करने वाले हैं। नाउ दिस इज एक्सपेक्टेड, अभी ऐसा कुछ श्योर नहीं है, बिकॉज जब भी कोई बिडर्स बिड करते हैं तो उसके बाद उनको एक प्रॉपर प्लान दिखाना पड़ता है, बिकॉज एयरलाइंस या फिर कोई भी कंपनी जो इंसॉल्वेंट हो चुकी होती है
तो उसको वापस से एक बार स्टार्ट करने के लिए जो पुराने जितने भी डेब्ट्स हैं और बाकी सब कुछ जो है उसको प्रॉपरली क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई भी एयरलाइंस हो उसको प्रॉपरली रन कर पाओगे। तो अभी भी शायद से थोड़ा टाइम लगे जेट एयरवेज को वापस से बाउंस बैक करने के लिए, बट वी कैन होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज जब ये दो बिडर्स ने बिड किया है दिस मीन्स कि दे मस्ट बी हैविंग अ प्लान टू स्टार्ट द ऑपरेशन ऑफ जेट एयरवेज, एंड वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि वापस से जेट एयरवेज इंडियन एविएशन में आए, बिकॉज अभी जो करंट सिनेरियो है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का, सी कोरोना एक ऐसा पैंडमिक हो चुका है जिसने ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री को ही अफेक्ट किया है, बट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड ट्रैवल इंडस्ट्री ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, एंड ट्रैवल में भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है आपका एविएशन इंडस्ट्री में, बिकॉज आई विल टेल यू द सिनेरियो ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इज इन अ पर्टिकुलर फ्लाइट ऑलमोस्ट लाइक 5 to 10 पैसेंजर्स आर ट्रैवलिंग, ज़्यादा फ्लाइट लोड हो ही नहीं रहा है, सो एयरलाइंस आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स, जिसके वजह से अभी बहुत सारी एयरलाइंस हैं, बहुत सारे लो कॉस्ट कैरियर्स हैं जिन्होंने अपने स्टाफ को ले ऑफ करने का प्लान्स निकाला है, जिन्होंने अपने स्टाफ को 5-5 साल तक लीव विदाउट पे पर रखने का डिसीजन लिया है। सो लाइक मेरा उन सभी स्टाफ लोग से रिक्वेस्ट है, अगर उनमें से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ डोंट फील डीमोटिवेटेड, देखो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आई नो ये बोलना बहुत आसान है, पर अभी आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है एंड आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी भी होगी, सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट सी नथिंग इज़ इन योर हैंड, सो जो हो रहा है बस उसको वैसे ही चलने दो, जस्ट गो विद द फ्लो एंड वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट, एंड अभी जो ये एक रे ऑफ होप है जेट एयरवेज के लिए, हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि वापस से जेट एयरवेज बाउंस बैक करे इंडियन मार्केट में। तो उससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉम्पिटिशन बढ़ेगा मार्केट में, एंड जो दूसरी चीज़ होगी कि इतने सारे लोग जो इम्पैक्ट हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, उससे निकलने का एक बहुत ही प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा, बिकॉज अभी ये भी र्यूमर्स आ रहे हैं कि फ्लाईबिग एयरलाइंस भी स्टार्ट हो रही है, तो फ्लाईबिग और जेट एयरवेज अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाए इंडियन मार्केट में, तो शायद से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड ये जो कोरोना इम्पैक्टेड स्टाफ होंगे ना, जो कोरोना इम्पैक्ट जिनकी जॉब गई है बिकॉज ऑफ कोरोना, वो वापस से अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर पाएंगे। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको इस वीडियो में से थोड़ी सी भी कुछ पॉजिटिविटी मिली है या फिर कुछ अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज़ अ गाय एविएशन गाय साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रस्ता किताबों का था तुझ तक मेरी जान, पैर जमी थे आंखें छाने आसमां, रस्ता किताबों का था तुझ तक मेरी जान, पैर जमी थे आंखें छाने आसमां, मैं उड़ रहा हूँ अब आसमां से मैं जुड़ रहा। खुली आंख से ख्वाबों को देखा है मैंने, मेहनत से सपनों को सींचा है मैंने, वो आवाज वो नजारा वो इंजन ब्लास्ट जिससे कि कोई बादल भी डर जाए, वो चमकती लाइट्स जिससे सितारे भी चलते होंगे, वो खड़कती खिड़कियां वो ताकती पुतलियां। कुछ साल पहले जब पढ़ाई किया करते थे तो ऊपर से जहाज निकला करता था तो खिड़कियां आवाज करती थी, तो बाहर जाके देखा करते थे कौन सा जहाज है, कौन सा एयरक्राफ्ट, उस पे ये लाइंस लिखी है, वो खड़कती खिड़कियां वो ताकती पुतलियां, हर दिन तुझे पाने को तरसा हूं मैं जैसे सूखी जमीन पानी की एक बूंद को तरसती। कहते थे लोग भूल जाऊं तुझे, इट्स ऑलवेज समवन हू इज पुलिंग यू बैक यू नो, कहते थे लोग भूल जाऊं तुझे ऊपर देखना छोड़ दूं, मगर मैं चुप रहा कुछ ना कहा, क्यों, क्योंकि तब मुलाकात बाकी थी मेरे दोस्त, तब मुलाकात बाकी थी। मैं उड़ रहा हूं अब आसमां से मैं जुड़ रहा हूं, तेरा किया था
इंतजार हर दिन, तू भी तोड़ रहा था दूर मेरे बिन, तेरा किया था इंतजार हर दिन, तू भी तोड़ रहा था दूर मेरे बिन, रास्ता किताबों का था तुझ तक मेरी जान, पैर जमी थे आंखें छाने आसमां, मैं उड़ रहा हूँ।